बोल। तो सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम दाई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बी टू द बॉडी फ्री एजेस, हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाई ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा जय श्री हरि। तो निखिल जी हमारे बीच में आ गए हैं। आज हम बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर और को फाउंडर निखिल जी और नितिन जी हमारे बीच में हैं। हमारे बड़े भाग्य अच्छे हैं कि आज वो हमें भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट होने पर ब्लेसिंग देने के लिए हमारे पास आए हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हम सब ग्रुप वाले उनको देखने के लिए ललायत थे पहले ही। तो कुल मिलाकर समय 4:30 बजे का बना, तो वो अपने नियत समय पर अपनी इतनी व्यवस्थाएं कोई होती हैं, सब कुछ छोड़कर वो हमारे बीच में आ जाए हैं। तो मैं प्रेम महाजन गोलोक एक्सप्रेस के साथ, जब से गोलोक एक्सप्रेस बना हुआ है, मैं कह सकता हूं कि तब से ही इस ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरे बिल्कुल दिल के करीब मैं ऐसा महसूस करता हूं कि गोलोक एक्सप्रेस कभी ये सोचा ही नहीं कि कोई दूसरी चीज है, ये अपने ही हमारे द्वारा ही सब कुछ मेहनत करके और इनकी मेहनत सदका आज ये ग्रुप ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। छोटा सा बीज डाला और आज वृक्ष का रूप धारण कर गया है। तो मैं 2015 से ये जो रीडिंग है भगवद गीता की, वे करानी मैंने शुरू की थी। 7 साल हो गए। मैं ग्रुप को, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अकेले अकेले ही हम पढ़ाते थे। कभी रिश्तेदार, कोई दोस्त, सज्जन, मित्र, उनके साथ रीडिंग हमारी होती थी। तो धीरे धीरे करके ये जो बीज निखिल जी ने बोया था वो आज फल फूल रहा है। ये जो सपना निखिल जी ने लेकर अपने मन में के घर घर मंदिर, हर मन मंदिर बने, उसको पूरा करने के लिए जितने भी ग्रुप इसके बने, सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और आज हमें बहुत मान है इस बात पर कि ये जो गोलोक एक्सप्रेस है पूरी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, और जो सपना लेकर हम चले थे उसकी तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं बस यही कोशिश करता रहूं हमेशा के नित्य और नित्य इसके साथ निरंतर चलता रहूं, और कभी भी जतन नहीं किया आपकी
कोशिश भी नहीं करी कि इसको छोड़ दूं या कभी गैप डाल लूं। लगातार इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूं, और आज निखिल जी इस रीडिंग कंप्लीट होने पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। प्रेम जी, पहले तो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत आभार। हम आज जहां भी पहुंचे हैं, इसमें आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल योगदान है। आपका और लीलम आंटी, नताशा जी, सुमित जी, सभी लोग स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं गोलोक एक्सप्रेस के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। जिस नित्य निरंतरता से आप विनम्रता से सेवा करते हो, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आज जहां भी गोलक एक्सप्रेस पहुंचा है, उसमें ऑफकोर्स विशेष कृपा है। लेकिन वो विशेष कृपा यही है कि हमें भगवान ने इतने प्यारे प्यारे गोलोकियों से जोड़ दिया। और जब भक्त इतने सारे एक निष्ठा से एक अपना फोकस बना लेते हैं, तो फिर चमत्कार होते हैं, जो चमत्कार अभी हम होता हुआ देख रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कोर्स कंप्लीशन की, और सभी गोलोक हैं जो इस पर्टिकुलर कोर्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे रेगुलर रह के, चाहे एक्टिवली सुन के, किसी ने एक्टिवली उसमें रिव्यूज दे के, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत विरले लोगों में आते हैं जो आप घर बैठे बैठे भगवद गीता का अध्ययन कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं समाज में भाई, जिन्होंने गुरु नाम धारण कर लिया, दीक्षाएं ले ली, लेकिन भगवद गीता का अभी भी नहीं पता होता। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये बहुत विशेष कृपा हुई है हमें कि घर बैठे बैठे हमें भागवत गीता का अध्ययन हो रहा है। और ऐसा कोई डिवोटी नहीं मैं जानता हूं जो अभी तक पूरा इसने कोर्स कंप्लीट किया हो, जिसको कुछ भी समझ ना आया हो। ये तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ ना समझ आया हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे कोर्स के दौरान आपने कुछ भी ना पाया हो, कुछ भी ना समझा हो। और पूरे कोर्स के दौरान जो आपकी डिजायर का डायरेक्शन है, जो मटेरियल डिजायर्स आपकी बढ़ रही थी, वो उसके अंदर कुछ लगाम लगी हो और कुछ स्पिरिचुअल डिजायर्स में बढ़ोतरी हुई हो, है ना। तो हमेशा ये स्पेशल इवेंट्स होते हैं जब हम एक कोर्स कंप्लीट करवाते हैं हमारी टीम का कोई भी मेंबर। और गोलक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास होता है कि जब भी हम कुछ डिवाइन अचीवमेंट को भगवत कृपा से अचीव करें, तो उसको सेलिब्रेट करें, प्रभु का गुणगान करें, एक दूसरे की फीलिंग्स जानें। आई थिंक ये गोलक एक्सप्रेस में एक डिफरेंट सा कल्चर है जिसको हम अलाइव रखना चाहते हैं, जिससे जो भक्तों में आपसी प्रेम भी बनता है, एक दूसरे को जान पाते हैं। और मैंने लास्ट 10-12 ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है कि जब डिवोटीज को सुना जाता है, उनकी प्रशंसा होती है उनकी अचीवमेंट्स के लिए, है ना। और भक्ति के लिए प्रशंसा कलयुग में, तो भक्ति के लिए तो टांगी खींची जाती है। तो एक हम ये क्रिएट करना चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म जहाँ डिवोशन करने वालों को शाबाशी मिले, नहीं आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ताकि वो जो अपने संसारिक जीवन में निकले, तो एक कम से कम भक्तों के संघ के बीच में से वो थोड़ा सा एप्रिसिएशन के इतने इंजेक्शन लगवा चुके होंगे कि फिर जब उनकी टांग खिंचाई होगी समाज में, तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा, उतने निराश नहीं होंगे। चलो कोई नहीं, एक जगह तो हम थोड़ी सी शाबाशी मिल जाती है, दूसरी जगह अगर खिंचाई हो भी गई तो चलता है ना। क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो डिवोशन करने वालों को आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है प्रेम जी? आपको लगता है डिवोशन करने वालों को समाज में अप्रिसिएशन मिलती होगी, घर से या सोसाइटी से जनरली? डिवोशन करने वालों की टांग पहले खींची जाती है, बिल्कुल, एप्रिसिएशन बाद में आती है। तो टांग बहुत खींची जाती है। तो हम ये चाहते थे कि गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन ले जहां हम एक दूसरे की सराहना कर सके, क्योंकि सच ये है कि कोई अगर डिवोशन कर रहा है कलयुग में, चलो टूटी फूटी कर रहा है, रेंग ही रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है। कलयुग में कर तो रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, कुछ ना करने वाले से तो बहुत बेटर है जिस तरह का माहौल है। तो इस तरह के हमारे स्पेशल सत्संग रखने का पर्पज ये होता है कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से मोटिवेशन लें, ताकि ये हमेशा गोलोक एक्सप्रेस एक टू वे इंटरेक्टिव मॉडल रहे। ऐसा नहीं होता कि आपको प्रेम जी ने भगवद गीता पढ़ाई तो आपने ही प्रेम जी से सीखा, आपसे भी प्रेम जी ने कुछ सीखा, मैंने भी प्रेम जी से कुछ सीखा, हम एक दूसरे से सब आदान प्रदान करके कुछ और नहीं तो उत्साह ही सीख रहे हैं। क्या ऐसा हो जाता है प्रेम जी, कई बार डिवोटीज बिल्कुल नए होते हैं जिनको एसेस नॉलेज नहीं होती, बट उनके उत्साह से हमें भी उत्साह मिल जाता है, ये होता है या नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। ये तो मॉडल ही ऐसा है, सीखो और सिखाओ। है ना, सीखो और सिखाओ। और हो क्या रहा है पूरी प्रोसेस में,
कि हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। कई बार जो नए डिवोटीज आते हैं उनके अंदर जोश बहुत होता है, कई बार डिवोटीज जो 6 साल से चल रहे होते हैं उनका जोश कम हो गया होता है, तो क्या पता एक सीनियर डिवोटी नए डिवोटी से जोश सीख ले। हो सकता है जो जूनियर डिवोटी है वो उससे ज्ञान ले ले एक्सचेंज ऑफर में, वहां से ज्ञान मिला वहां से जोश ले लिया। तो यहाँ पे हम इस तरह के इवेंट्स स्पेशल सत्संग इसलिए भी रखना चाहते हैं कि एक टू वे इंटरेक्टिव मॉडल बना रहे। भक्ति का रास्ता अक्सर लोगों को बोरिंग लगता है, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन होने से क्या होता है सबका दिल लगा रहता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको बोला जाता है कि 4 घंटे ध्यान लगाओ अकेले तब ध्यान लगेगा, वेयर एज वही जब कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तो प्रेम जी कितने लोगों का ध्यान लग जाता है, अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो कितने लोगों को सुनाई दे रहा होगा, अभी यहाँ सो गए होंगे लोग, चांसेस क्या है इसके कि लोग सुन रहे होंगे ध्यान से इस समय पे, क्या लगता है आपको? सभी ध्यान से सुनते तो सभी हैं, पर ध्यान बोल लगाना मुश्किल। हाँ जी, तो सुनने वाले मॉडल में ध्यान फिर भी लग जाता है, अभी जैसे आप सुन रहे हो तो थोड़ा बहुत आप सुन पाओगे। अगर किसी को बोल दिया जाए ना कि अकेले बैठ के अपना भक्ति करो माला करो ध्यान लगाओ, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन स्पेशल सत्संग से हम धीरे धीरे देखो अल्टीमेटली भक्ति तत्व क्या है, मेरा और आपका क्या बढ़े, स्मरण बढ़ जाए भगवान का ना। तो जब हम एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन भी करते हैं ना भगवान से जुड़ी हुई, मान लीजिए शशि जी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, नीलम जी ने अपने बता दिए, तो प्रेम जी ने अपने बताए, उससे होता क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे कब आपका मन जो है उसकी रुचि संसार से हटके भगवान की तरफ लग गई होगी और आप ईश्वर की बातों का स्मरण करना शुरू कर दोगे। चाहे इतना ही याद कर रहे हो, यार वो तो कितनी माला कर देती है, मैं नहीं इतनी माला कर पाती, मैं भी कर पाऊं, ये भी स्मरण कर रहे हो आप भगवान का कंपेरिजन में कि चलो उसने 64 किया, मैं तो अभी 4 पे हूँ, कम से कम 10 पे तो पहुंचू। तो ये भी जब हम भक्तों के बारे में सुनते रहते हैं एक दूसरे से तो उससे क्या होता है हमारी डिवोशन में प्रोग्रेस हो जाती है। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। प्रेम जी स्पेशली आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी डेडिकेटेड सेवा के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे सबको? चलिए आई थिंक आप बीच में हरे आएंगे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही प्यारा ओकेजन है। प्रेम जी, नीलम जी और सारे के सारे जितने डिवोटीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं और जिन सब ने अपनी रीडिंग्स कंप्लीट की है, मैं ना उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और रेगुलरिटी के साथ इस सत्संग को आप कंटिन्यू अटेंड करते रहे, और जैसा निखिल जी बता रहे थे ये सीखने और सिखाने का प्लेटफॉर्म है, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। श्रीमद् भागवत गीता एक गहरा सागर है जिसमें असंख्य मोती हैं, और जो जितना गहरा इसमें उतरता है उसको उतने ही प्यारे मोती जो हैं वो हर बार मिलते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से कई बार भागवत गीता को पढ़ चुका हूँ और उसके बाद कई बार मैं इसको आगे पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन जितनी बार मैं इसको पढ़ता हूँ, जितनी बार मैं इसको सुनता हूँ या जितनी बार मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है, हर बार एक नया पर्सपेक्टिव तैयार होता है, एक और गहरी अनुभूति होती है। तो मेरा मैसेज यही है कि हमने रुक नहीं जाना है, कि हमने एक रीडिंग कंप्लीट कर ली है अब तो हमें पता चल गया भागवत गीता में क्या है, ऐसा नहीं। इसमें विशेष भगवान की कृपा है, भगवान का दिव्य ज्ञान मौजूद है, और वो हमारी प्योरिटी के एंगल से धीरे धीरे हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं। तो आप सबको रेगुलर रहना है, यहां तक आप पहुंचे हैं इसके लिए विशेष धन्यवाद, और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से रेगुलरिटी से किसी न किसी सत्संग में जुड़े रहेंगे और अपने आप को भागवत गीता के साथ जोड़े रखेंगे। ये विशेष इसलिए भी हो जाता है क्यों, इस मानव जीवन में आकर अगर हमने इसको नहीं सुना, इसको नहीं समझा और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, तो एक्चुअली हमने अपने जीवन को वेस्ट कर दिया। और जो इस रास्ते पर आगे चल पाते हैं, और आप इसलिए शुभकामनाओं के पात्र हैं क्योंकि आप उन विरले लोगों में से बहुत ही विशेष, उन विरले लोगों में बहुत ही विशेष
अब कैटेगरी में जा रहे हैं, बिकॉज आप केवल इसको सुन या समझ नहीं रहे, आपको आगे इसको समझाने का भी मौका मिलने वाला है। तो इस चीज के लिए हमें हमेशा आनंदित रहना है, खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है कि हर किसी को ये नहीं मिलता है। तो आप सौभाग्यवान हैं, ये सौभाग्य आपका इसी तरह से आगे वृद्धि करे, आप भक्ति में सब आगे बढ़े, यही प्रार्थना मैं यहाँ से आप सबके लिए करूंगा। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, नीलम जी और पूरी फैमिली, जिस तरह से जोश के साथ शुरू से जी ही गोलोक एक्सप्रेस की बुनियाद के समय से आप सब साथ दे रहे हैं, ये साथ हमारा इसी तरह से बना रहे, भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू नितिन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो प्रेम जी, आप कैसे करना चाहोगे? आप अपनी फीलिंग्स रखना चाहोगे पहले? आपको कैसा लगा ये पूरा कोर्स में आपने नीलम जी ने मिलके करवाया? आप अपनी फीलिंग्स पहले शेयर करना चाहेंगे या आप आगे चलना चाहोगे, जैसा आपका दिल करता है? अगर आप 6-7 मिनट बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे कोर्स के दौरान। पहले नीलम जी को समय दूंगा पहले, क्योंकि उनका योगदान मेरे से भी ज्यादा होता है, तो उनको मैं कहूंगा कि पहले वो अपने थोड़ा सा। आपने तो अंकल जी आज तो इसमें भी प्रचार कर दिया, आपने सिखा दिया लोगों को ABCD को कैसे सुधारते हैं। वाइफ फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। में ठीक है जी, बिल्कुल चलिए, बहुत बढ़िया। नीलम जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। आप तो हमारे स्टार परफॉर्मर हुई है हमेशा ही, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल आंटी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हाँ जी, हरे कृष्णा 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 हरे रे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी प्रिय जी सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। निखिल जी, नितिन जी, आपका इस ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत आनंद आ रहा है आपको देखकर। आप आए, बाहर आई, इस सत्संग के अंदर रौनक आ गई है। आपने कहा कि सुनते हैं तो ध्यान लगता है, वाकई ध्यान लगता है। आजकल तो वैसे बड़ी गहरी गहरी बातें सुनने को मिल रही हैं। जब सत्संग सुनते हैं ना हम, तो आप हर सत्संग में एक दो ऐसी बातें कर देते हो जो कि हम सारा दिन सोचते रहते हैं। जैसे एक दिन आपने बात करी, आपके मुख से निकली तत्व पर तत्व के बारे में, तो उसी समय में उस दिन से आज तक सोच रही हूँ कि कितनी गहरी बात की है आपने। तत्व होता है मैं तत्व, और पर तत्व होता है जो गुरु तत्व होता है। और जब तक हम माया तत्व को नहीं जानेंगे तो गुरु तत्व को कैसे जान सकते हैं। जब हम मैं तत्व को जानते हैं ना, तो उसके बाद ही आत्मा ही तो परमात्मा को जानेगी। जैसे हम भगवत गीता स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और उसके बाद हमने ये भी तो समझना है, अगर मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो नेचुरली है कि जो गुरु है वो भी शरीर नहीं है, है ना। तो उस पर तत्व को जानकर ही व्यक्ति निहाल होता है, उसे हमने जानना है। भगवत गीता का यही मतलब है। उस दिन मैंने जब आपके मुख से ये बात सुनी ना, बहुत ही आनंद आया मुझे। और आप देखिए कि सुनते हैं तो ध्यान लगता है, ध्यान तो खुली आंखों से भी लगता है, क्योंकि जब व्यक्ति नर्म नारायण को देख लेता तो ध्यान तो लगेगा ही। ध्यान खुली आंखों से लगे तो ही तो बढ़िया है। सामने सारा संसार भगवान का प्रतिरूप दिखे, हर एक के अंदर वो नारायण के दर्शन हो जाए, तो और क्या चाहिए। यही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हमने नर्म नारायण को देखना है, वासुदेव कुटुंब को समझना है। और ये जो आज का इवेंट है, भगवत गीता के मतलब एक रीडिंग के कंप्लीट होने पर, जैसे नितिन जी ने अभी कहा कि एक रीडिंग कंप्लीट होने पर सब कुछ समझ नहीं सकते हैं हम, लेकिन मतलब ये सोच लें कि हमें सब कुछ ही समझ में आ गई, नहीं, हमें रीडिंग्स करते रहना है, करते रहना है। कोई बात एक रीडिंग में समझ आएगी, कोई बात दूसरी रीडिंग में समझ आएगी, इस तरह से हमने आगे पढ़ना है।
और बहुत ही बढ़िया ये जो रीडिंग कंप्लीट हुई है आज, क्योंकि थोड़ी सी बीच में से पहले तो प्रेम जी करवाते थे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस रीडिंग को करने में, कंप्लीट करने में मैंने जो योगदान दिया, क्योंकि इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए मुझे मतलब आना पड़ा। मैं भी इस रीडिंग में बढ़ चढ़कर मैंने भी भाग लिया, तो उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मैं मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा, क्योंकि जो करवाते थे मैं समराइज करवाती थी, मुझे बहुत आनंद आया। और सभी डिवोटीज इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं, और इतना अच्छा, मतलब जैसे आपने भी कहा कि हम बाकियों से भी सीखते हैं, बिल्कुल सही कहा। डिवोटीज जब रिव्यूज देते हैं ना तो मजा आ जाता है, कई बार तो ऐसा मन करता है कि डिवोटीज बोलते जाएं, हम सुनते जाएं, तो बहुत ही मजा आ रहा है। भगवान कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कि आत्मा के बारे में सुनना और आत्मा के बारे में बोलना दोनों ही आश्चर्य है। वाकई बात सही है, हमें जहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से भगवद गीता के माध्यम से भगवान कृष्णा मतलब कह रहे हैं हमें, और हम आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, भगवान कृष्णा की बहुत कृपा है और ये कृपा बरसती रहे हम पर, तो हम निहाल होते रहे। और इसके लिए मैं निखिल जी आपको ही निखिल जी को, नितिन जी को और प्रीति जी को ही अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैंने भगवत गीता पढ़ी, समझी और आज मैं बोलने के काबिल हुई। हरी हरी बोल, धन्यवाद। हरी थैंक यू सो मच नीलमणि जी, आपकी भी ब्लेसिंग्स हैं तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। आप और प्रेम जी हमारे पेरेंट्स ही हैं और अपने इतने विनम्र हो आप कि आपने कभी ये नहीं सोचते आप कि भाई हम छोटों से कैसे सीख सकते हैं, और आपने हमेशा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है और आज जो गोलोक एक्सप्रेस जहाँ पहुंचा है उसमें आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए शत शत नमन। थैंक यू सो मच। प्रेम जी आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो नीलम जी ने अपने विचार रखे, तो हम दोनों ने रल मिलके इस कार्य को पूर्ण किया। तो जो मैंने भगवद गीता से सीखा, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या करते हैं, पर हम कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। सारी गीता हमने पढ़ी, यही बात समझाई कि हम कैसे करते हैं इस पर आधारित है, ना कि हम क्या करते हैं ये नहीं देखा जाता। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमने अपने मन को शास्त्रों के मुताबिक ढालना है। जितना मर्जी किसी के पास धन दौलत ऐश्वर्य हो, फिर भी जो जो हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी जो क्षमता है वो लिमिटेड ही है, सीमित है बिल्कुल। तो हमें सादा जीवन जीना चाहिए, हमें ऐसा तप करना चाहिए जिससे पूरे संसार का कल्याण हो सके। हम जो भी तप करें, जो भी हम करें, वह हमें चेतना के उच्च स्तर पर ले जाने वाला होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो है उसको कर सकते हैं। तो मेरी यही एक सबसे बड़ी सीख है कि इतना कार्य करना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना ये देखना होता है कि कैसे हम वो कार्य करते हैं। तो इन बातों पर हमने चलना है,
बाकी लर्निंग तो बहुत सी है भगवद गीता की, वो तो गिनकर भी समाप्त नहीं होती। बस मेन जो पॉइंट है वो हमें पकड़ना है, हमने अपने लक्ष्य गोलोक धाम जाने का यत्न करना है, और हमने सत्संग साधना सेवा में लगे रहना है, और निरंतरता जो इसमें कंटिन्यूटी उसको नहीं कभी तोड़ना। कंटिन्यूटी तोड़ेंगे तो फिर हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, लगे रहना है। मेरी तरफ से यही है कि बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हरि बोल जी। थैंक यू अंकल, बिल्कुल एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। सच यही है, देखिए कुछ और नहीं भी समझ आए इतना ही याद रख ले, क्योंकि मुझे चलते रहना है बस। जो चलता रहेगा उसको मोती मिलेंगे ही मिलेंगे, जो चलना छोड़ देगा वो फंस जाएगा फिर से माया में। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता बस इतना याद रखा करो कि चलते रहना है हम सबको ईश्वर के रास्ते में। दौड़ सकते हो, उड़ सकते हो, दौड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, उड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, चलते रहो, चल नहीं सकते रेंगते रहो, कुछ करते रहो भगवान के रास्ते में चलते रहो। थैंक यू सो मच प्रेम जी। किसको आप पहले अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं निशा जी को बिल्कुल समय देने निशा जी, आपको पहले, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताइएगा पहले कि आप कहाँ से हो, कब से जुड़े हो। हरी हरी बोल हरी जी। हरी और बोल जी। हरी हरी बोल जी। सबसे पहले तो मैं आपको शत शत नमन करती हूँ, आपके पेरेंट्स को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने हमारी जिंदगी में हमारे जीवन में नया सवेरा दिया है। निखिल जी, मेरा नाम निशा पटियाल है और मैं गांव मोटली तहसील इंदौरा की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मैं यहाँ की सरपंच हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से जून 2021 में हमारे ही गांव के संतोष दीदी जी के माध्यम से उनकी बहन संगीता शर्मा जी के द्वारा जुड़ी थी। जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। भगवान के साथ तो बचपन से ही लगन थी, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद हमने बहुत कुछ ही सीखा है। मैंने भगवत गीता ही बहुत बार पढ़ी थी लेकिन उसका सही ज्ञान नहीं था। सच कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। निखिल जी, आप तो हमें गुरु के रूप में मिले हैं जो घर बैठे हमें इतना अच्छा सत्संग और ज्ञान बांट रहे हैं। मैंने भोग लगाना, माला जाप करना, सत्संग साधना सेवा गीता अध्ययन सब यहीं से सीखा है। अब तो हर श्वास में हरे कृष्णा का मंत्र जाप चलता रहता है। सोते जागते चलते फिरते यही मंत्र मेरे साथ चलता है। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर मेरे बचपन का सपना पूरा है हुआ है। प्रभु ने हम पर इतनी असीम कृपा बरसाई कि हमसे भगवत कथा महायज्ञ करवाया। ये मेरा बचपन का सपना जो है वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही पूरा हुआ है। मुझे पता नहीं था कि प्रभु इतनी जल्दी इतने अच्छे ढंग से मेरा सपना पूरा कर देंगे। कहते हैं ना कि प्रभु की तरफ आप एक कदम चलो, प्रभु हमारे साथ चार कदम आगे चलते हैं। ये बिल्कुल सही तथ्य है, ये प्रमाण हमने भागवत में देखा है। मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी नहीं थे, वो भी मुझे भागवत में व्यास पीठ से भेंट स्वरूप मिले हैं, मेरे पास आए। अब हम मिलकर उनकी बहुत सेवा करते हैं। मैं और मेरा परिवार 4-5 साल से लगातार वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ तब से हर त्योहार में वहां जाने का अवसर मिल रहा है। अभी नए साल की शुरुआत भी हमने वही धाम में हुई है। इसके लिए भी मैं प्रभु का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। हमारी मेंटर नीलम दीदी हमें भगवत गीता का अध्ययन करवाकर बहुत ही सरल तरीके से एक एक शब्द हमारे सम्मुख रखते हैं। हमें बड़े ही प्रेम, अंकल जी भी बड़े ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है जब वो हमें रिव्यूज देने के लिए कहते हैं। चाहे हम जैसा मर्जी भी बोले लेकिन वो इतना प्रोत्साहित करते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं संगीता दीदी जी का भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस से इतने अच्छे परिवार से जोड़ा है। ये हमारे कर्म नहीं तो क्या है, हमने अच्छे कर्म किए हैं तभी हमें इतना अच्छा परिवार मिला है। उन्होंने मुझे टेलीग्राम पर भी 5 बजे वाले सत्संग ग्रुप में जोड़कर, जिसमें निखिल जी आते थे, वहां पर भी मैं इस सत्संग में जुड़ी हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरी प्रभु से यही विनती है कि हमारे इस गोलोक परिवार पर हरि कृपा बरसाए रखें और हम सबको अपनी शरणागत लें। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। निशु जी, आपको देख के सुन के बड़ा अच्छा लगा। और कितनी देर हो गई अब आपको चलते हुए हमारे साथ?
मैं जून 2021 में जुड़ी थी आपके साथ, 6-7 महीने हो गए मुझे श्री। 6-7 months में आपने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऐसा लग रहा है भगवान से कनेक्शन तो आपका था, बट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है आप। जी है उन लोगों के लिए कि जिनका कनेक्शन हो लेकिन उनका सिग्नल उड़ जाता है बीच-बीच में, नेटवर्क खराब हो उनका भगवान के साथ। हाँ जी ऐसा ही हुआ। साथ मिल जाए तो नेटवर्क स्ट्रांग हो जाए। अब आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो गया, हमेशा याद रखना है आपने भगवान ने कहा है कि लीडरशिप क्वालिटीज को सही दिशा में लो। आप सरपंच हो तो आपका दायित्व है कि आप समाज को सही दिशा दो। आप ईश्वर के रास्ते में चलोगे बहुत सारे लोग आपको देखा देखी में चलना शुरू हो जाएंगे। अब आप भक्तिमय जीवन जी रहे हो और उससे जो आसपास का वातावरण भी है उसको भक्तिमय बनाइए, ईश्वर के प्रचार प्रसार में आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। एंड संगीता जी आपका भी बहुत बहुत आभार, आप अपने ब्यूटीफुल डिवोटीज को इस तरह से इंस्पायर करते हो। थैंक यू निशु जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निशा जी बहुत ही धार्मिक विचारों के हैं। पीछे इन्होंने अपने घर पर भागवतम का कराई थी और हमें भी इन्होंने कहा था, लेकिन हमने धाम जाता जाना था तो नहीं पहुंच सके थे। इन्होंने बहुत बार कहा हमें कि भागवतम हमने शुरू कराने आप आइए, लेकिन हम जा नहीं सके। बहुत बढ़िया तरीके से ये करते हैं, बिल्कुल धार्मिक टोटली। इनके विचार सुनकर मन जो है बहुत प्रफुल्लित होता है। कैसे ये अपने अपने आप को किस तरह से इन्होंने अपने पूरी लगन के साथ लगाए रखा है, बहुत बढ़िया करते हैं जी। हरी बोल जी। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने प्रेम जी, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। निशा जी के माध्यम से बड़े सारे लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है, कृपा बरसती रहे जी। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट विदुषी जी। हरी हरी बोल विदुषी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हमारे स्पिरिचुअल गाइड नीलम जी, प्रेम भाई साहब, निखिल जी, नितिन जी, संगीता दीदी जी, नीनू दीदी जी, आप सब को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और प्रेम भाई साहब और नीलम दीदी जी की आज चेहरे की मुस्कान और उनके चेहरों की लालिमा देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है मानो श्री हरि अपने बड़े भाई दाऊ जी के साथ यहाँ पे आ गए हों। और इतना आनंदमयी माहौल बना हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, इतना आनंद आ रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे सत्संग तो हम रोज सुबह लगाते हैं, अटेंड करते हैं, आज ऐसा आभास हो रहा है जैसे श्री कृष्णा हमारे पठानकोट में और हमारे ग्रुप में आ गए हैं। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। बड़ी अच्छी शिक्षा जो है नीलम दीदी प्रेम भाई साहब जी के माध्यम से और आपके द्वारा दिखाए जा रहे जो दिशा निर्देश हैं, नितिन जी के द्वारा जो कुछ भी शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं, उनको हम बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय तक भी उसको फॉलो करते रहें। नितिन जी ने एक दिन सुबह के सत्संग में एक बात का जिक्र किया कि मान लो अगर किसी लड़के या लड़की का विवाह करना है, उसके लिए कोई वर चुनना है, तो हम लोग बड़े ध्यान से पता लगाते हैं कि उसका बैकग्राउंड उसकी क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन से उनकी रेपुटेशन समाज में कैसी है। तो और आपने बड़े ही सरलता से इस बात को स्वीकार भी किया कि हमने भी ऐसा ही किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरा इस बात को बताने का अभिप्राय ये है कि इसी तरह से जैसे हमने अपना स्पिरिचुअल गाइड चुनना होता है तो ये सारी बातें हमारे ध्यान में आती हैं। तो जैसे ही गोलोक से जुड़ने की बात आई, संगीता दीदी ने जैसे हमें स्कूल में मोटिवेट किया, दीदी तो पहले से ही
हमारे मोटिवेशनल रहे हैं। तो जिस तरह से गोलोक से हमने जुड़ना था, तो सबसे पहले ध्यान नीलम दीदी प्रेम भाई साहब का आया, और उससे भी ऊपर हमारी प्यारी प्रीति जी का। मेरे को तो कई बार ऐसा फील होता है, मानो जैसे प्रीति जी ने हमारा कोई ऋण चुकता करना था, और उन्होंने इतने प्यारे ढंग से हमारा ऋण चुकता किया कि हमें गोलोक धाम के रास्ते को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं उसके मार्ग तक पहुंचा दिया। उसके लिए मैं अपनी प्रीति जी को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उनके माध्यम से ही हम ये चुनाव कर पाए। परमात्मा उनको हर खुशियां दे, और मैं इसी चीज की कामना हमेशा करती रहूंगी। निखिल जी, मैं आपको बताऊं, आज आप सुबह एक बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जो चीज हमारे मन में आई होती है ना, तो वो किसी दूसरे के मन में भी आ जाती है, और एक साथ हो सकता है 100 या 200 लोगों के मनों में भी वो बात सेम एट ए टाइम आ जाए। तो जब मैंने पहली बार अपने विचार रखने थे, अपने रिव्यूज देने थे, मुझे सभी ने मोटिवेट किया, आप बताओ, अभी मुझे समय ज्यादा नहीं हुआ, मैं गीता जयंती के उपलक्ष में ही गोलोक का हिस्सा बन पाई, मुझे उस समय मौका मिला। तो मैंने ये महसूस किया, ऐसे ही मैं बैठी हुई आप सुन रही थी आपको, तो मन में मेरा ये विचार आया कि सभी कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं, कभी मुझे भी मौका मिलेगा। तो बिना किसी संदर्भ के आप क्या बोलने लग पड़े, लगे रहो, धीरे धीरे सब लगे रहो, सबको मौका मिलेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा जो अपने विचार ना रख पाए, जो बोल ना सके यहाँ पे। मैं हैरान ही रह गई, मैंने कहा इतनी आप पास से होके मन की बात सुन ली आपने। तो स्कूल में जब मैं गई, सभी ने मुझे कहा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मुझे फिर अपने रिव्यूज यहाँ पे देने का मौका मिला, तो वाकई में ही मैंने ये महसूस किया है कि जब भी सत्संग हो रहा होता है, मानो कृष्णा जी वहां पे उपस्थित हूँ, और वो ऐसा होता ही है। मैंने गोलोक के साथ जुड़ के बहुत कुछ सीखा। नीलम दीदी जी शाम को हमारा हमें सिखाते रही हैं, उनके माध्यम से भी हमने बहुत कुछ सीखा, तो उनके पास भी हमें रिव्यूज देने का मौका मिला, जैसे कि हमारी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही होती है, ऐसे हमें आभास होता रहा। मैंने जब अपनी रेजोल्यूशन ली थी, तो उसमें मैंने एक चीज कही थी कि मैं रेगुलर रहूंगी, और उसका मैंने काफी हद तक, मैं ये मानती हूँ कि मैंने उसका पालन करने के लिए मैं सफल हुई, और आगे भी मैं प्रभु जी से यही कामना करती हूँ कि मैं गोलोक में रेगुलर रहूं, सत्संग में रेगुलर रहूं, ताकि मैं जो इतना ज्ञान बरसाया जा रहा है उसको प्राप्त कर सकूं। अपनी लर्निंग्स में मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से, जैसे हमें पता ही नहीं था पहले कि प्रकृति के गुणों के बारे में पता ही नहीं था, सुना था लेकिन इतनी डीपली समझा नहीं था कि प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बड़ी डीपली इसको समझा, बहुत ही आनंद आ रहा है, और अब हम समझ पा रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि कौन से गुणों वाला तमोगुणों से ग्रस्त है, कौन सा रजोगुण और कौन सतोगुण की ओर जा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम अपने अब जैसे खुद ही बन बैठे हैं कि रजोगुण में तो हम अपने आप को मान सकते हैं, और हम अब सतोगुण की ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और शायद कभी प्रभु कृपा हुई तो हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी कर पाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा हमने स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में सीखा, फिर स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, सूक्ष्म शरीर के बारे में कैसे जानना, फिर इसके अलावा हमने कैसे ये जाना कि हमें समय समय पर परमात्मा के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को दिखाना है, उनको थैंकफुल होना है कि उन्होंने, उनकी कृपा से जो कुछ भी हमें मिला है हम उसके लिए उनके धन्यवादी हैं। इसके अलावा हमने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है, इसके बारे में हमने सीखा, फिर आपने स्पिरिचुअल लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए हमें 4 पिलर्स के बारे में समझाया कि सत्संग,
साधना, सेवा, सदाचार, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। किस तरह से हमने सत्संग, हमारी एक क्लास है, साधना से हम और ज्यादा प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, और अगर हम जितनी ज्यादा अच्छे कर्म करेंगे, वो हमारी प्रभु के प्रति हमारी जो भक्ति है वो हमारी सेवा है, और जो हमारा व्यवहार है वो हमारा सदाचार है। बहुत ही अच्छी चीजें हमें सुनने को, समझने को मिली। इसके अलावा आपने हमें भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा प्रभु की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझाया, और इसके अलावा आपने श्रवण के बारे में बताया कि सुनना भी एक भक्ति है, वो भी किसी भक्ति से कम नहीं है। अगर हम कॉन्टिन्यूटी से सुनते भी जाएंगे तो भी हमारा बहुत ज्यादा ज्ञान जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा हमने फ्री विल की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा कि फ्री विल जो है, प्रभु जी ने हमें फ्री विल दी है, अब चयन हमारा है, चॉइस हमारी है कि हम कितना उस पे खरा उतर सकते हैं। एक भक्ति के मार्ग पर चलकर हम किस तरह से प्रभु की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं। ABCD का मॉडल जो आपने हमारे सामने रखा वो बहुत ही बढ़िया था, बढ़िया है कि किस तरह से हम जो हमारे आंतरिक जो कुरुक्षेत्र है, हमारा परिवार है, उसको कैसे हमने उसके साथ चलते हुए सारे कार्य करने हैं, प्रभु की भक्ति करनी है, करियर का भी ध्यान रखना है, और हमने डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन की ओर कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजें हमें इस समय के दौरान ही सीखने को मिली। मैं बहुत ही अपने आप में मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सोचूं कि मैं तो अभी दिसंबर में ही मैंने गोलों का हिस्सा बनी हूँ, तो मैं सोचती हूँ नहीं नहीं मेरे को अभी एक या डेढ़ महीना नहीं हुआ, 21 चला गया, मेरे को एक साल हो गया, मैं 22 में आ गई, अब तो मेरे को एक साल हो गया। इतना ज्ञान मेरे को फील होता है कि मैंने इतना ज्ञान इन महीनों में प्राप्त कर लिया। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं पहले की ही जुड़ी होती आपके साथ तो किस तरह से मेरे को और भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी, परंतु फिर भी मेरी ये पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कॉन्टिन्यूटी बनाए रखूं। जैसे अभी हमने दीदी से भी 18वें अध्याय जो चैप्टर चल रहा था उसके बारे में हमने सीखा है, तो जिस तरह से चैप्टर 18 के श्लोक 67 में हमने ये सीखा कि हमने उस व्यक्ति को या उस अज्ञानी को श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के बारे में बताना नहीं है कि जो इस ज्ञान को लेना नहीं चाहता या जो पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। इसी तरह से श्लोक 68 में हमें ये पता चला कि हमारा ज्ञान तभी बढ़ सकता है, हम जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान हम आगे बांटे तो ही हम इस ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने भी अपनी टीचिंग्स में हमें बताया कि शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, एंड लव इज डिवोशन। तो हमने जो सीखा है उसको औरों में भी बांटना है ताकि इस ज्ञान का और हम अपने ज्ञान को बढ़ा सके और इस प्रभु भक्ति के योग्य हो सके। तो आज जैसे कि रिपब्लिक डे है, आपने जो रिपब्लिक डे के उपलक्ष में अपनी पोस्ट डाली है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना, और आज रिपब्लिक डे के उपलक्ष में भी आपको बहुत बहुत मुबारक। किस तरह से आपने एक भारतीय होने का भी फर्ज निभाया, और रिपब्लिक डे के उपलक्ष में आपने हमें रिपब्लिक डे की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और जो हमारे तिरंगा झंडे के ट्राई कलर्स हैं उनकी इंडिविजुअली आपने हमें व्याख्या कर करके बताई, उसके लिए मैं आपका उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू एज वेल विदुषी जी, और आपको सुन के हमेशा आनंद आता है। आपका ना पिछले जन्मों का अकाउंट खुल गया अभी, इसलिए क्या होता है कि उस समय पे एकदम टाइम नहीं हुआ होता जैसे आपको, वैसे तो यहाँ 2 महीने हुए, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया, बिकॉज आपका ना समय आ गया था। समय जब आता है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था इस जन्म में, तो पहले 2-3 महीने ऐसा लग रहा था जैसे कितनी जबरदस्त चीज मिल गई है, क्योंकि वो एकदम पुराने जन्मों का ना खाता खुलता है, और एकदम बहुत हाई लेवल की एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, जोश पड़ जाता है, और ऐसे ही आपका जोश बढ़ता रहे,
मिनिमम आपने कहा था, आपने प्रॉमिस किया है कि आप रेगुलर रहोगे, ये मिनिमम दक्षिणा होती है गोलक एक्सप्रेस में डिवोटीज की, कि आप जो कम से कम रेगुलर तो चलो, बिकॉज इससे सरल कोई तरीका नहीं है भगवत धाम जाने का, इससे सरल कोई तरीका नहीं है भाई, मुझे तो नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में हो तो वो अलग बात है, बट मेरी नॉलेज में आज तक इससे सरल तरीका कोई नहीं आया अभी तक। ना हमें जंगलों में जाना पड़ रहा है, ना हमें पेड़ के ऊपर उल्टा लटकना है, ना हमें पत्ते खाने हैं, ना हमें चिता के अंदर जाना है तपस्या करने के लिए, ना हमें पानी के अंदर डूबना है तपस्या करने के लिए, हमें बस अपने स्मार्टफोन पे सत्संग लगाने हैं। अगर हम इतना भी नहीं कर पाएंगे फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर हम रेगुलर चले, ये मिनिमम है, फिर कोई साधना और सेवा कर ले तो वो बहुत ही बढ़िया बात है, बट अगर कोई सत्संग सुनता रहे कम से कम उसकी गाड़ी चलती रहेगी, और फिर धीरे धीरे वो प्रयास करे अपनी साधना और सेवा बढ़ाने का। सदाचार ऑटोमेटिक बदलता है, आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। ऋषि जी आपने चलते रहना है, थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिन जी अगर आप भी हो साथ में तो आप बात कर सकते हो। हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच निखिल जी, और आप दोनों को ही सुन के बहुत अच्छा लगा, विदुषी जी और उनसे पहले हम निशा जी को सुन रहे थे, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से जोश बड़ा है, और ये जो फीलिंग आप सबने यहाँ पे सुनी विदुषी जी के माध्यम से, और निखिल जी उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि शुरू में जब अकाउंट्स खुलते हैं तो कैसी कैसी अनुभूति होती है, ये बहुत प्यारा समय होता है। जब मैं मुझे भी निखिल जी गाइड कर रहे थे और शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था ना, हर चीज से कोई ना कोई समझ आ रही है, सूर्य को देख रहे हो आप तब भी कुछ ऐसा लग रहा है वो भी आपको कोई मैसेज दे रहा है, आप रात देख रहे हो आप रात भी आपको कोई मैसेज दे रही है, हर चीज से कुछ ना कुछ समझ आपको आना शुरू हो जाती है, ऐसा सत्संग का प्रभाव होता है। और जो आपने फीलिंग अपनी शेयर की कि कैसे जो मन में भाव चल रहे हैं सत्संग के माध्यम से, ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपसे बात की जा रही है, ये भगवान की प्रेजेंस होती है। और आई थिंक ये जो घटनाएं हैं, ये अनुभव जो है ना, ये हमेशा हमें याद रखने चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार ऐसा भी हुआ डिवोटीज के साथ, शुरू में 3-4 months ना उनको बहुत ज्यादा मजा आया, बिकॉज उनका पास्ट समय के जो पिछली लाइफ टाइम के जो अकाउंट्स थे वो एकदम ओपन हुए, लेकिन फिर क्या होता है समटाइम्स एक स्टैग्नेंट सिचुएशन आ जाती है, तो डिवोटी को ये लगना शुरू हो जाता है कि अरे यार वो जो 5-6 months पहले था मजा, वो वाला मजा नहीं आ रहा। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है, और इस समय को हमेशा हमें मेमोराइज रखना है अपने साथ कि जब पुराने अकाउंट्स खुलते हैं ना उस समय बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन जब पुराने अकाउंट्स खुलने के बाद अब इस जन्म में जब हमें मेहनत करके आगे लेकर जाना है तो उस समय हमें उतना मजा शायद नहीं आ रहा होता। तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो जाएं, जितने भी डिवोटीज यहाँ पर हैं, कि यार पहले ऐसा क्यों था और अब ऐसा क्यों हो गया, तो आप समझें कि जब हम मेहनत करते हैं, मान लो आप चढ़ाई चढ़ते हो, तो जब चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो हर कदम के साथ आपकी थोड़ी सी थकावट जो है वो बढ़ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप जा रहे हो लेकिन उसमें आपकी मेहनत भी लग रही है, और इसलिए शायद वो आनंद उतना नहीं आ रहा। बीच में ऐसी स्टेज आती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, मेंटर के साथ जुड़े रहना है, डिस्कस करते रहना है, और अपनी फीलिंग्स को, ये इतना प्यारा रिव्यूज का जो हमें एक मौका मिलता है यहाँ पर ना, उस रिव्यूज के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको आपके आंसर्स भी मिलते जाएंगे और आप इसी तरह से मोटिवेशन के साथ आगे भी बढ़ते रहोगे। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं दोनों ही, आपके और आपकी पूरी फैमिलीज के लिए यहाँ से यही प्रार्थना कि आप और अच्छा करें और रेगुलरिटी का जो व्रत आपने लिया है उसको आप सक्सेसफुली निभा पाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जैसे नितिन जी ने कहा, आपको कई बार फेजेस में बड़ा आनंद आना शुरू हो जाएगा और कई बार फेजेस में उतना आनंद नहीं आएगा, मन आपका विचलित भी करेगा, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है आपने कि ये हो सकता है, तो उसमें भी डाउट नहीं करना है, पाथवे को चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। प्रेम जी किसको सुनना चाहेंगे आप नेक्स्ट? हरी हरी बोल। तो मैं विदुषी के लिए यही कहूंगा कि ये बॉर्न स्पिरिचुअल हुए हैं, और कई बार क्या होता है कि हीरे का मूल तब पड़ता है जब वो बाजार में जाता है या उसको तराशा जाता है अच्छी तरह से। तो ये विदुषी जी तो
हीरे के समान ही है। अब गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं तो इनका जो सही मैंने में इनकी जो स्पेशलिटी उनके अंदर है दारुणता, वो सामने आएगी, बाहर आएगी, मैं ऐसी कामना से करता हूँ। हरी बोल जी। आगे है अलका जी हैं हमारे साथ। अलका जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी, अपने फर्स्ट मेंटर नीलम मैम और प्रेम जी, आप सबका अपने सत्संग रूप में स्वागत करती हूँ। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 2018 से जुड़ी हूँ, नीलम मैडम के माध्यम से जुड़ी हूँ। मैं दो लाइनें बोलूंगी। आए हैं आप सब सत्संग ग्रुप में, हम सब मिल स्वागत करते हैं, मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं, हम हर्षित हैं, हम पुलकित हैं, कैसे अभिनंदन करें भला। आदरणीय निखिल जी, आपको मेरा शत शत नमन, जो कि आपने हमें इतना प्यारा इतना सुंदर गोलक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म दिया है। गोलक एक्सप्रेस एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है जिसमें हम घर बैठे ही सत्संग कर सकते हैं और सुन सकते हैं। गोलक एक्सप्रेस में के साथ जुड़कर मेरे में बहुत सारी चेंजेस आई हैं और सत्संग में हमारे जो मेंटर नीलम मैडम है और प्रेम जी ने हमें भगवत गीता बहुत अच्छी तरह से हमें करवाई है और बड़ी ही सरल भाषा में उन्होंने हमें समझाई है। निखिल जी, आपने हमें ABCD मॉडल, 4S पिलर और कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के मॉडल जो दिए हैं, वो बहुत ही हमारे हमारे जीवन को चेंज करने वाले हैं। ABCD मॉडल में हमने डिस्ट्रक्टिव को डिवोशन में बदला है, हमने नित निरंतर 4S पिलर सत्संग साधना सेवा सदाचार, इसके बारे में भी आपने हमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आपने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, इसके 5 कंपोनेंट हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। यदि हम सत्संग में लगातार नित निरंतर सुनेंगे, साधना करेंगे, तो तभी हमारी जो स्पिरिचुअल जो हेल्थ है वो ठीक बन सकती है, तभी हम आगे की ओर, और जब हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ेगी तभी हमारे अगले जो चारों कंपोनेंट्स हैं वो भी हमारे अच्छे होंगे। तो हमने नित निरंतर सत्संग साधना सेवा सदाचार से हमने जुड़े रहना है। निखिल जी, भगवद गीता से मैंने ये सीखा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आपने ये हमें सुबह के सत्संग में भी यही बताते हैं, हमने शुद्ध भगत बनना है। हम शुद्ध भगत तभी बनेंगे जब हम अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठेंगे। तो हमने नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा सदाचार से जुड़े रहना है। और हमने आपने फिर हमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया कि सबसे पहले हमने तमो से रजो में जाना है, रजो से हमने सतो में जाना है, और जब हम सतो से ऊपर होंगे तभी हम दिव्य बन सकते हैं। तो अभी तो हम रजोगुण में ही हैं, तो रजो से हम अब आगे की ओर चलते जा रहे हैं, तो हम सतोगुण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो तभी हम दिव्य गुणों की ओर जाएंगे। उसके बाद आपने हमें साधना के सत्संग साधना सेवा सदाचार के बारे में बताया। आपकी ये थी, हमने नाम जाप भी हमारा बड़ा है, मैंने भोग पहले एक ही समय लगाते थे, अब हमने तीनों समय ही भोग लगाना शुरू किया है, और कोई भी चीज हम बाजार से लेकर आते हैं उसका भी हम भोग लगाते हैं, और एकादशी का व्रत भी हम करते हैं और पहले भी करते थे,
लेकिन उसका महत्व अब आपने हमें बताया कि हमने कैसे करना है, तो हम उसी हिसाब से वो भी हमने गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही हमने सीखा है। उसके बाद सेवा यूट्यूब के ऊपर जो लाइक और कमेंट जो है वो भी हम इसी गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही हमने ये सीखा है। और 2021 में मैंने 3 हिंदी के और 3 पंजाबी के पॉडकास्ट भी बनाए हैं, और ये सब भी आपकी ही मोटिवेशन ही है। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो भी बनाऊं, और नीलम मैम और प्रेम भैया ने हमें सत्संग के ग्रुप में हमें रामायण के प्रसंग भी कराए हैं, कबीर जी के दोहे भी कराए हैं और रहीम जी के भी दोहे कराए हैं। हमें बहुत आनंद आता रहा है, उन्होंने हमें बहुत ही सरल भाषा में हमें सिखाए हैं। मैं आप सबको गोलक एक्सप्रेस के सभी सीनियर डिवोटीज को, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, नीलम मैम, प्रेम भैया और सभी सीनियर डिवोटीज को शत शत नमन करती हूँ। अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल। अलका जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है, ऐसे इस साल आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जोश आ गया है, डिजायर आ गई अब आपकी कि मुझे आगे बढ़ना है सेवा में, और आप अच्छे से आगे बढ़ सको। ऐसे ही अपने पोटेंशियल को समझिए, हम सब के अंदर बहुत पोटेंशियल है क्योंकि हम सब भगवान के अंश है और हमें बढ़ चढ़ के भगवान की सेवाओं में हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अलका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। हरी हरी बोल। प्रेम जी आप कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डिवोटी के पास चलेंगे। हरी बोल, हरी हरी बोल। अलका जी देख लिया इनका जोश इस वर्ष, ये जो कार्तिक मास आया था ना, सबका जोश बढ़ा और इन्होंने ये पॉडकास्ट जो है बहुत जल्दी बना लिए और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मेरी यही कामना है। हरी बोल। अब आगे हमारे साथ सीमा शर्मा जी हैं तो लोकपुर से, हरी बोल। हरी हरी बोल सीमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, जय जय श्री राधे। मैं सीमा शर्मा फ्रॉम त्रिलोकपुर हिमाचल प्रदेश, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। सर मैं नवंबर 2017 में अपने देव जोगिंदर जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, और प्रेम सर और नीलम मैम के माध्यम से मैंने कई बार भगवत गीता की रीडिंग की है। इसके अलावा मैंने रामायण के जो टॉपिक्स थे वो भी उन्होंने करवाए हैं हमें, तुलसीदास जी के, रहीम जी के दोहे सब करवाए हैं, लाइफ के फंडे भी करवाए हैं। भगवत गीता से मेरी जो लर्निंग बनी है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी। कि सबसे पहले मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से मुझे पता चला कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। हमें कुछ भी कर्म करने हैं तो हमें इसमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। जैसे हम लोग, मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं जैसे बच्चे छोटे थे उनका पालन पोषण करती थी, तो हर समय मन में रहता था कि कब बच्चे बड़े होंगे, कब मैं झंझटों से छूटूंगी। लेकिन अब जैसे मुझे पता चला है, मैं आप लोगों के साथ सानिध्य में आई हूँ, तो पता चला कि ये भगवान ने हमें प्यारी सी सेवा दी है। इसे हमें जो है, इसमें हमें उम्मीद नहीं रखनी है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। हमें ये सोचकर बच्चों का पालन पोषण करना है कि बच्चों, ये हमें भगवान ने सेवा दी है और हमें ये करनी है और खुशी खुशी करनी है। पहले मैं घर के काम भी करती थी, तब भी मन में आता था बार बार कि और देवरानियां हैं, कोई नहीं करती, मैं अकेली कर लेती हूँ, फिर मैं अपना काम करके बैठ जाया करती थी। लेकिन अब पता चला है कि हमें किसी काम से हटना नहीं है, बस यही सोचना है कि भगवान ने जो सेवा दी है हमें करनी है, और बुजुर्गों की सेवा भी जो करनी है भगवान की सेवा समझ के ही करनी है। सेकेंडली, मैं ये चीजें मैं तभी समझती थी जब मैं अपने आप को शरीर समझती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन अब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से मुझे पता चला है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जैसे हम शरीर को पौष्टिक आहार देते हैं स्वस्थ रखने के लिए, तो इसी तरह हमें आत्मा की शुद्धि के लिए सेवा, सत्संग, साधना, सदाचार, ये चीजें जो है अपनानी है, इनको बढ़ाना है अपने जीवन में, तभी हमारी आत्मा शुद्ध होगी। पहले कोई भी दुख आता तो बहुत घबरा जाती थी, जिस तरह द्रौपदी थी जब उनका चीरहरण हुआ, उन्होंने पहले अपने 5 पत्नियों को देखा, फिर भीष्म पितामह की तरफ इशारा किया कि मुझे बचाओ। तो मेरी भी यही कंडीशन थी, मैं भी ऐसे ही कोई भी मुसीबत आती थी
अपने मदर को, पेरेंट्स को फोन कर लिया करती थी, भाई को फोन कर लिया, अपने रिलेटिव्स को फोन कर लिया कि मुझे ये मुझसे बताइए, ये टेंशन मेरे घर में है, उससे टेंशन और बढ़ जाती थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि जो मेरे कर्मों का फल है मुझे भुगतना ही है, मुझे किसी को ये चीजें नहीं बतानी है, मुझे सिर्फ भगवान के ऊपर आसरा रखना है और मुझे जो अपनी माला बनानी है। हमारे नीलम मैम और प्रेम सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया है हमें कि हमें किसी मुसीबत के समय चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, इस चीज को अपने जीवन में बढ़ाना है। तो इससे मुझे बहुत खुशी मिली, आंतरिक खुशी मिली है, मेरा मन बहुत शांत रहने लगा है। और ये भी समझ में आया कि दुख जो हमारे जीवन में आते हैं तो हमें इसमें दुखी नहीं होना है, हमें ये समझना है कि अगर दुख आता है तो ये हरी इच्छा है और सुख आया तो हरी कृपा है, हमें सुख में ज्यादा उछलना नहीं और दुख में ज्यादा हमें टूट नहीं जाना है। तो इसके लिए हमें बस माला को बढ़ा देना है और भगवान का नाम लेते रहना है कि प्रभु आप ही हमारे सब कष्ट निवारोगे। और अब ये समझ में आता है कि जो कोई भी सेवा हम करते हैं छोटी और बड़ी नहीं होती है। अगर हम किसी को कोई मुसीबत में है या कोई कभी टेंशन में है तो उनको छोटी स्माइल दे देंगे तो ये भी एक हमारी तरफ से सेवा ही हो जाती है। या हम ये नहीं कि हमें बड़े बड़े भंडारे लगाने हैं तभी हम सेवा कर सकते हैं। अगर हम एक मुट्ठी दाना हम पंछियों को डाल देते हैं, पानी की बाल्टी भर के बाहर रख देंगे, छत पर रख देंगे, तो वो भी एक सेवा ही हो जाती है हमारी तरफ से। या किसी बुजुर्गों को हम रास्ता अगर क्रॉस करा देते हैं वो भी एक सेवा ही हो जाती है। फिर माला का पता चला कि माला करने से कैसे मन शांत रहता था। पहले मैं जब शुरू शुरू में माला करने लगी तो बार बार मतलब उसको देखती रहती थी इनसे मन के कितने मन के बाकी रह जाते हैं, कितने रह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब अब मुझे इतना रस आने लगा है कि पता नहीं चलता है, मुझे निखिल सर ने मुझे कमिटमेंट किया कि 8 माला करनी है, लेकिन मैं कम से कम 16 माला कर लेती हूँ डेली। रात को भी जब माला नहीं करूंगी तब तक मुझे नींद नहीं आती है। और इसके बाद में मुझे अब पहले हमें संन्यास की जब बात पता चलती थी तो लगता था कि जैसे भगवे वस्त्र पहन कर जंगल में चले जाते हैं वही सन्यासी होते हैं। लेकिन अब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पता चला है कि हम घर में रहकर अपने घर के पूरे कर्तव्य करते हुए, सबका अपने फर्ज जो गृहस्थी के निभाते हुए, हमें भगवान का नाम लेते रहना, प्रभु को ऐड करना है, हर काम में प्रभु को ऐड करना है। अगर खाना बना रहे हैं तो प्रभु आप ही इस खाने में स्वाद के रूप में आप ही हो। अब हमें इन चीजों का पता चला है। पहले हम समझते थे कि भगवान तो बैठे हैं अपनी फोटो में या मूर्ति में है तो वही प्रभु के दर्शन करते हैं, लेकिन अब कण कण में प्रभु विद्यमान है इस बात का भी पता चल गया है कि अगर कोई जीव जा रहा है उसके लिए भी लगता है कि प्रभु का ही दर्शन है। ये नहीं समझते हैं कि जैसे कई लोग देखते हैं कुत्ते से घृणा करते हैं कि छी ये कुत्ता आ गया, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं ये प्रभु, ये भगवान का ही स्वरूप है। हमें इन बातों का ध्यान अब जो है ज्ञान हुआ है वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से ही हुआ है। पहले इन बातों का कोई भी ज्ञान नहीं था और जीवन में दुख आने से बहुत दुखी हो जाया करती थी। और भोग का कंसेप्ट भी हमें अब पता चला है। पहले मैं ये कि फॉर्मेलिटी करती थी कि सुबह के समय जैसे हमने खाना बनाया तो चाय का प्रसाद लिया भगवान को लगा दिया, ना बिस्किट लिए भगवान को लगा दिया। लेकिन अब तीनों समय हम लोग अच्छे से भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं, घर में छोटा सा नाती है, अब तो 8 साल का हो गया। लेकिन 1 साल पिछले साल ये भी मेरे साथ सत्संग से जुड़ गया, क्योंकि बार बार कहता था कि नानी आप सत्संग करती रहती हो, मुझे ही बताओ आप क्या करती हो, मुझे माला करनी है। फिर मैंने नीलम मैम से और प्रीति मैम से रिक्वेस्ट की और इसको भी मैंने अपने गोलोक एक्सप्रेस साथ जोड़ दिया है और बहुत अच्छा लगता है। पूरी फैमिली मेरी इतनी खुश रहती है कि अरे हमारे घर में तो गोलोक एक्सप्रेस का जहाँ देखो वहाँ यही चलता रहता है कि बच्चे भी माला करते हैं, बड़े भी माला करते हैं। हमारा बच्चा अपने दादी के यहाँ गया तो वहां पर भी सब बहुत खुश है कि हमारे छोटे से बच्चे के अंदर इतने अच्छे गुण आए हैं। वो सब चीजें जो है आपके सानिध्य में रहकर ही मैं सीख पाई हूँ। और मुझे पता चला है कि जैसे वाणी की तपस्या क्या होती है उसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले। पहले मैं सोचती थी कि ये कहावत है, लोकोक्ति है, लेकिन अब समझ में आया है कि जैसा बिहेव हम औरों से चाहते हैं कि हमारे साथ करें वही बिहेव हमें औरों के साथ करना है। किसी को कभी हार्श वर्ड नहीं बोलना है, किसी से किसी का दिल दुखे, क्योंकि वो नीलम मैम भी बार बार हमें टॉपिक समझाती है तो बताती है कि जले कटे का घाव तो मिट जाता है लेकिन जो हम बोलते हैं किसी को कड़वे वचन बोल देते हैं वो घाव कभी नहीं मिटते। इसलिए हमें बोलते समय पहले सोचना है कि हम किसके साथ में किस तरह से बात कर रहे हैं। फिर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये संसार जो दुखाले है, जिस तरह नीलम मैम बार बार बताती है कि विद्यालय जाते हैं तो वहां पर विद्या मिलती है, तो दुखाले में हमें दुख ही मिलेंगे। इस संसार में हम कितना भी किसी से उम्मीद लगा लेंगे हमें दुख के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें जो परमानंद की खुशी होती है वो परमात्मा के परम धाम में ही मिलती है। हमें जो है उसके लिए अपने जीवन में सेवा सत्संग साधना सदाचार को बढ़ाना है और जितना हो सके हमें प्रभु का चिंतन करना है कि दूसरों को, क्योंकि अब हमें पता चला कि भगवान जो है विशाल समुद्र है और हम उनकी एक नन्ही सी बूंद है। गुण भगवान के अंदर ज्यादा है, हमारे अंदर कम है। हमें उनके अपने गोल को समझना है, अपने गोल की तरफ चलना है कि हमें प्रभु को ही पाना है, उन्हीं के सानिध्य में रहना है, उन्हीं के हमें जो प्रेमा भक्ति मांगनी है। पहले हम बच्चों के लिए मांगते थे कि बच्चे जल्दी बड़े हो जाएं, इनको अच्छी जॉब मिल जाए, फिर इनकी शादियां हो जाए, अच्छे घर में शादी हो, ये चीजें मांगते मांगते हमने पूरी जिंदगी गुजार दी है। लेकिन
लेकिन अब पता चला, अब लगता है कि आपने, अरे हमने अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कर दिया। अगर हमें कुछ समय पहले, अगर 10 साल पहले भी ये ज्ञान मिला होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती, क्योंकि बोलो प्रेसर्स के सानिध्य में आने से, इनके साथ जुड़ने के से मुझे, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब मैं बहुत बातें जान गई हूँ। और एकादशी के फास्ट के बारे में मैं कहूंगी कि मैं 5 साल से एकादशी का फास्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं जो थी उसे फास्ट समझ कर ही रखती थी कि व्रत है। अब मुझे पता चला कि भाव से कैसे व्रत रखा जाता है, इसमें भगवान के कैसे हमें माला कर, जितना हो सके हमें उस दिन चैंटिंग बढ़ा देनी है अपनी। हमें अब मैं कहीं जा, जिस दिन मेरा फास्ट होता है मैं नहीं जाती, पहले मैं चली जाती थी किसी के यहाँ भी, कहीं भी चले गए 2-4 बातें सुन ली कर ली, लेकिन अब मैंने नियम बना लिया है। मैंने अपने फ्रेंड्स सबको बोल दिया है कि जिस दिन मेरा फास्ट होता है मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी बाहर। हमारे जो है मेंटर्स हमें बताते हैं, हमारे गोलोक एक्सप्रेस में ये नियम बने हुए हैं कि फास्ट वाले दिन घर पे ही रहना है, कहीं जाएंगे तो हम किसी की चर्चा भी करेंगे, सुनेंगे भी, और जो है हम, हमें जो है पूरे ध्यान जो भगवान की भक्ति में ही लगाना है। मंदिर में जाओ, वहां पर कथा कीर्तन में जाओ, उसकी बना ही नहीं है, बाकी मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। और कार्तिक मास भी मैं 3 साल पहले से कर रही हूँ, हर पूर्णिमा पर हम लोग बाहर जाते हैं स्नान के लिए, लेकिन अब इस साल तो इतना आनंद आया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह दीप दान करना, रात को दीप दान करना, मंदिर में जाते थे हम रेगुलर, मेरी फ्रेंड्स है 5 6 सब मेरे साथ चली जाती थी, हम लोग वहाँ कीर्तन करते थे सुबह सुबह, इतना आनंद आता था। फिर गीता जयंती के अवसर पर भी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर मुझे मतलब मेरा जीवन ही बदल गया है। मुझे पहले इतना आनंद नहीं आता था भक्ति करने में, मुझे लगता था कि एक फॉर्मेलिटी है कि सुबह शाम दीपक जला लिया, चलो पूजा हो गई, और क्या है सब दुनिया ऐसे ही करती है, आती है चली जाती है। लेकिन अब पता चला है कि हम जितना भगवान से जुड़ेंगे और उतना ही जो है हम ये संसार से, हमें जो है मोह त्यागना है, भगवान के साथ हमें मोह लगाना है, क्योंकि संसार हमें दुख ही दुख देगा, संसार में हमें कुछ नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा तो एक परमात्मा के परम धाम में। निखिल सर बार बार हमें समझाते हैं कि जो हम गोलोक धाम जाते हैं वहां पर जो हमें ना तो बिजली की टेंशन होती है, ना पानी की टेंशन होती है कि हमें किसी का बिल देना है, वहां पर तो कल्प वृक्ष है कि एक वृक्ष से हम सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर हमें आम के पेड़ से आम मिलेगा, संतरे के पेड़ से संतरे मिलेंगे, लेकिन भगवान के परम धाम में हम एक ही जगह से सब चीज पा सकते हैं। इसलिए हमें भगवान का सानिध्य मांगना, प्रभु हमें अपनी शरणागति दो, हमें अपनी शरण में रखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जितना भी हो सके हमने आज तक जो इतना जीवन व्यर्थ किया है उसके लिए तो हम पश्चाताप करेंगे ही, लेकिन आगे का जीवन जो है हमारा व्यर्थ ना जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक मैं गोलोक एक्सप्रेस को नहीं छोड़ूंगी, और अपने जो मेरे सभी मेंटर्स स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करूंगी, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी। और जो है निखिल सर आपका, मैं अपने सभी मेंटर्स का, जितने भी मेरे हमारे सारे गोलोक एक्सप्रेस के जो डिवोटीज हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनकी मोटिवेशन से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरी बोल सीमा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो भगवत कृपा से, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है, और पूरे के पूरे परिवार में घर घर मंदिर हर मन मंदिर तो आपके लिए तो साकार हो गया है ना, तो यही हमें ऐसे करते जाना है, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। और ये तो मिनिमम, देखिए हमें आप सभी को कहता है, ये तो मिनिमम आप लोगों को गुरु दक्षिणा में देनी पड़ेगी कि आपने नित्य निरंतर चलना है, राइट। अदरवाइज भी सब बोलते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो, नहीं हमारी कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट ये है कि आप नित्य निरंतर चलोगे, आप सत्संग करोगे, छोड़ोगे नहीं, माला छोड़ोगे नहीं, यही हमारी फीस है। इतनी फीस देते रहिए, फिर आप देखोगे कैसे आपके माध्यम से लोग बदल रहे हैं, आनंद मिलता है, आनंद बांटते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी बोल, हरी बोल। देखिए पैसे देना बहुत मुश्किल आसान काम है, ये कमिटमेंट देना ना और इस पे टिके रहना, कलयुगी प्राणी के लिए नितिन जी कौन सा काम मुश्किल है, माला की कमिटमेंट लेके चलते हैं या पैसा खर्च करना। पैसा खर्चना आसान है, टिके रहना मुश्किल है। टिके रहिए, हरी हरी बोल, चलते रहिए, हरी बोल। नितिन जी, नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हो? आई थिंक नितिन जी का इंटरनेट वहां ब्रेक हुआ है, बिकॉज स्नोफॉल हो रखी है ना चंबा में। चलिए बेस्ट विशेस सीमा जी, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। हरी हरी बोल प्रेम जी। हरी हरी बोल सीमा जी, हमारे सबसे पुराने डिवोटी हैं, ये शुरू से ही हमारे साथ चले हुए हैं और लगातार लगे रहे हैं, और इनमें चेंजेस भी काफ़ी आई हैं, और इनकी बातों से भी हमें पता चलता रहता है वे कैसे अब मुझे बदल रहे हैं, अपने आस पास कितने ये सत्संग खुद कराते हैं, चाहे दूसरी तरह के हों लेकिन उनमें ये इंटरेस्ट लेते हैं,
और सत्संग वगैरह कराते हैं, और जितने भी डिवोटी उस तरफ से हिमाचल से आते हैं तो उनको भी ये साथ लेकर आते हैं, तो बहुत ही मेहनती है। हम उनके लिए यही इच्छा रखेंगे कि ये लगे रहें और साथ चलते रहें हमारे साथ। हरी बोल जी। हरी हरी बोल। बिल्कुल बेस्ट विशेष सीमा जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। नेक्स्ट किसको सुनना चाहेंगे प्रेम जी आप? सुनीता जी है हमारे साथ। सुनीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। आ रही है मेरी वीडियो निखिल जी? हाँ जी हाँ जी आ रही है सुनीता जी। निखिल जी एक बात मैं भगवान से ये ब्लेस्ड मांगती हूँ कि मैं देखो आज जहाँ पे मैं आती हूँ ये कहीं गए हुए हैं, तो मैं इनके घर में ही आगे बोलने के लिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैंने बोलना ही बोलना चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ही अच्छा लगा जी आपको। थैंक यू सो मच निखिल जी जो हमें टाइम दिया आपने बोलने का या मौका दिया, आपका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ निखिल जी। और नीलम जी आंटी जी और प्रेम अंकल जी का बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने हमें गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा, तो मैं इनका इनका बहुत ही दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमें गोलोक एक्सप्रेस दिया, मैं सुनीता मेहरा पठानकोट से, नीलम आंटी जी के माध्यम से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। हम नीलम जी के प्रेम अंकल जी के साथ भगवद गीता को का पाठ करते हैं, जिससे हमने बहुत ही कुछ सीखा कि हमने हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखा। जैसे मैं नहीं जुड़ी थी तो मैं हमेशा ही डिप्रेशन में ही रहती थी, अब हमें जीना आ गया कि जिंदगी कैसे जीनी है। हम सब हमने गोलोक एक्सप्रेस के साथ सीखा। एक बात मैंने ये सीखी कि हमने भगवान की शरण में रहना चाहिए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए हमें विचलित नहीं होना। मैंने 2020-21 में दीप प्लान के बारे में जाना, गोलोक एक्सप्रेस में आके हमने आरती के बारे में जाना कि आरती का मीन्स क्या होता है, कैसे करते हैं, भोग लगाना सीखा कि हम मानसिक से भी भोग लगा सकते हैं। आगे हमने सत्संग में सीखा कि तीन गुण क्या है, ये हमारे पे कैसे एक्ट करते हैं। हमने रेगुलर सत्संग सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा है। सो थैंक यू निखिल जी, नीलम जी, प्रेम अंकल जी, प्रीति जी, नताशा जी को दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू निखिल जी, मैं पहले एक भी माला नहीं करती थी, अब मैं 16 से भी ऊपर कर लेती हूँ टेलीकाउंटर से। मुझे गोलोक एक्सप्रेस में जुड़कर बहुत ही आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा ऐसा प्लेटफॉर्म हमें कहीं नहीं मिलने वाला। सत्संग एक ऐसी दवाई है जिसे हमने नित्य निरंतर लेते रहना और नित्य निरंतर चलते रहना है। प्रेम अंकल जी चाहे कुछ भी हो, चाहे इनके बहुत सिचुएशन पीछे से आगे थी जो बीमार भी थे, तो इन्होंने फिर भी हमें वहां से ही सत्संग करवाते थे, दिल्ली में गए हुए थे वहां से हमें सत्संग करवाते थे, हम चाहे आए या ना आए। थैंक यू सो मच मिश्र जी, आपने हमारे ग्रुप में आके मुझे बहुत खुशी हुई। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना किसी चुप्पी पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल। निखिल जी मैं दो लाइनें भजन की सुनाना चाहूंगी। हरी हरी बोल जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं हूँ नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, टूटे हुए वाणी से गुणगान कैसे पाऊँ। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। थैंक यू सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आप डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहे, आपके माध्यम से ही बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अच्छा लगा जान के आपकी माला भी बढ़ गई है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। शुभकामनाएं प्रेम जी। हरी बोल। हाँ जी सुनीता, बहुत मेहनती है, लगी रहती है, इसका चाहे मन करे ना करे, पर इसे जब ये आती है तो मोटिवेशन इसे मिलती ही रहती है, क्योंकि सत्संग तो चले रहते हैं, तो उनको सुन के इसके मन में इच्छा फिर जाग जाती है। तो बड़ा अच्छा कर रही है, इसने पॉडकास्ट भी बनाए हैं, इसकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आई है, अच्छा कर रही है और करती रहेगी, ऐसी आशा है। हरी बोल जी। हरी बोल। हरी बोल जी। तो अब हमारे साथ शशि शर्मा जी भी हैं, कुछ दिन उन्होंने भी, हम जब धाम गए थे उनको हम सौंप कर गए थे, तो वो भी साथ आए हुए हैं। शशि जी आप कुछ कहेंगे? शशि जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी सपोर्ट किया यहाँ पे। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी बोल। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो निखिल जी, नितिन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, दिल से आभार, 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 आभार और आभार। क्यों आभार? सबसे पहले आप इस ग्रुप में आए, इसलिए आपका आभार। फिर गोलोक एक्सप्रेस आपने बनाया, इसके लिए आभार आपका। हमें इसमें शामिल किया, इसके लिए आभार आपका। हजारों लाखों लोगों में आप जोश भर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और खास तौर पे गृहणियां, हाउस वाइफ जो हैं, उनमें इतना जोश है, इतना जोश के साथ वो चल रही है कि क्या कहना। इतने वीडियोस, इतने पॉडकास्ट और टेक्नोलॉजी भी सीख रही है। आपसे पहले या गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले कौन पूछता था जी उनको, है ना? बिल्कुल नहीं पूछता था। तो अब बहुत जोश आप भर रहे हो सभी में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। फिर आप सभी को श्री हरि की तरफ प्रेरित कर रहे हो, भक्ति की तरफ ले जा रहे हो, इसके लिए दिल से आभार आपका। फिर घर घर मंदिर, हर मन मंदिर बनाने के लिए आपका बहुत 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 आभार जी। मैं शशि शर्मा, सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अप्रैल 2015 में नीलम जी के माध्यम से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। नीलम जी मेरे फ्रेंड हैं, मेरे कुलीग भी हैं, स्कूल में भी हम लोग इकट्ठे रहते थे। कभी भी जब टाइम टेबल बनना होता था तो हम विदुषी जी या संगीता शर्मा जी से पहले रिक्वेस्ट करते होते थे कि हमारा प्लीज पीरियड्स हमारे जो इकट्ठे इकट्ठे लगाना, इकट्ठे चाय पीनी, इकट्ठे खाना खाना, और फ्री जब समय होता था हमारे पास तो हरी चर्चा चलती रहती थी जी। तब भी वो बोलते थे और मैं सुनती थी, आज भी वो बोलते हैं और मैं सुनती हूँ जी। उनके बारे में यही बोलूंगी कि वो लाइट हाउस है जी, लाइट हाउस। हमारे पंजाबी में एक कहानी हुआ करती थी, लाइट हाउस चानन मुनारा पंजाबी में बोलते हैं। वो लाइट हाउस जो था वो भूले भटके जो जहाज होते थे उनको रोशनी दिखाता था, रोशनी देखने से वो अपनी राह पे आ जाते थे। ऐसे नीलम जी हैं, ये जो भूले भटके लोग हैं, है ना, ईश्वर की राह से जो भटक गए हैं, उनको ये ईश्वर की राह पर लाते हैं। ये उनका ज्ञान, नीलम जी का आध्यात्मिक ज्ञान, उनका अंदाजे व्या वाकई कमाल है। उनकी वाणी को सुनकर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, खींचा चला आता है इंसान उनकी तरफ,
और वो भी बहुत प्यार से उनको श्री हरि जी की तरफ से वो की तरफ ले जाते हैं। सैकड़ों लोग उनकी तरफ उनके द्वारा इस राह पर चल रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ। तो प्रेम भैया जी के बारे में ये बोलूंगी कि ये बहुत ही धीर गंभीर हैं। जब भी सत्संग में रामायण जी या दोहास ये करवाते थे तो इतनी गहरी गहरी बातें इन्होंने बहुत ही आसानी के साथ इन्होंने बतानी और बहुत मन हैरानी होती है ये कहाँ से लाते इतनी बातें, इतना ज्ञान, इतना बढ़िया ढंग से ये बताते थे कि आनंद आ जाता था। मैं बहुत ज्यादा तो इस ग्रुप के साथ नहीं चली, लेकिन जितना भी चली मैंने बहुत कुछ इनके साथ इनसे सीखा। मैंने सीखा मैंने कि जिंदगी में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे ईश्वर का एक परफेक्ट दिव्य प्लान होता है। जैसे निखिल जी आपका एक्सीडेंट हुआ, उस समय अगर हम दुनियावी दृष्टि से देखें तो बहुत बुरा हुआ, एक्सीडेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर की तरफ से देखें हम, उनकी तरफ से देखिए, ईश्वर ने आपको माध्यम बनाना था, आपको हजारों लोगों के, हजारों लाखों लोगों के कल्याण के लिए, है ना। ऐसे ही 2015 में कुछ विपरीत परिस्थितियां बन गई, डिप्रेशन में मैं चली गई। उस समय नीलम जी ने संभाला, मुझे भगवत गीता जी पढ़ानी शुरू करी, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखूं तो बहुत गलत था, लेकिन अगर वो मेरा हाथ ना पकड़ते, इधर लाते ना गोलोक एक्सप्रेस के साथ, तो कैसे जीती मैं जीवन जीने का अंदाज, कैसे जीवन जीने की मुझे कला आती। तो इसलिए जी, कभी भी जिंदगी में कभी कोई विपरीत हालात बन जाते हैं तो कभी घबराना नहीं, हमेशा यही याद रखना है कि ये ईश्वर का परफेक्ट प्लान है हमारे सबके लिए। कभी भी घबरा के सत्संग नहीं छोड़ना, सबसे पहले हम सत्संग ही छोड़ते हैं तो इसको कभी नहीं छोड़ना जी। लेकिन ये बात भी एक सच है कि इन बातों की जो ज्ञान है हमें तभी आता है अगर हम लगातार सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं, सत्संग के साथ जुड़ते हैं, सत्संग साधना सेवा करते हैं, तभी हमें इन बातों का ज्ञान होता है जी। ब्लेस्ड हैं हम लोग, बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग गोलोक एक्सप्रेस के परिवार के मेंबर हैं, हम लोग घर बैठे बैठे हमें ज्ञान तो मिल रहा है, ज्ञान के साथ साथ क्या है, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। मैं अपनी बात करूं तो चाहे वो भगवत गीता जी हैं, चाहे रामायण है, दोहास है, हॉलिस्टिक एजुकेशन है, चाहे मिथ बस्टर्स हैं, चाहे ये हमारे यूनिवर्सल जो मॉडल्स बनाए हैं निखिल जी आपने, चाहे वो ABCD मॉडल है, कंप्लीट हेल्थ या हैप्पीनेस मॉडल, या फोरेस्ट पिलर्स, या दो रथों की तुलना, ये इसके अलावा बहुत सारी और कुछ, ये इतने जबरदस्त हैं, इतने बढ़िया हैं, जीना सिखा देते हैं, जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। मैं आज भगवत गीता जी की अपनी लर्निंग शेयर नहीं करूंगी, सिर्फ ये बोलूंगी कि इन सब के द्वारा जिंदगी बदल गई जी मेरी, बिल्कुल बदल गई हूं, है ना। सबसे बड़ी बात कि मैं अंदर से एकदम एकदम क्लियर क्लीन हो गई है, एकदम सफाई होगी मेरे अंदर की, है ना। बाहर तो जैसी हूं चलिए हूं, लेकिन अंदर से एकदम क्लीन हूं, जो अंदर वही बाहर, इसके लिए भगवान का बहुत बहुत आभार। जिंदगी निखिल जी आपका, नितिन जी आपका, प्रीति जी, नीलम जी, सभी का आभार। जिंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं आप, है ना। ज्ञान तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जीना कैसे है, परिवार में रह के समाज में हमें कैसे जीना, ये बातें सिखाई जा रही है। इससे जीवन हमारा एकदम एकदम, मेरा जीवन बदल गया है जी। हरि कृपा सभी पे निरंतर बरसती रहे, इतना ही बोलूंगी कि भगवत गीता के संपूर्ण होने पे सभी डिवोटीज को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये भगवत गीता का अध्ययन हमेशा 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 चलता रहे, जिंदगी का लास्ट पल भी हो तब भी ये भगवत गीता सुन रहे हो, काश ऐसा हो।
लास्ट में मैं यही बोलूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल जी, हरी बोल, हरी हरी बोल। शशि जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आ जाता है, बड़े भाव से अपनी फीलिंग शेयर करते हो, और डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है जो आप बता रहे कि 2015 में आप डिप्रेशन में थे और आज आप लोगों को डिप्रेशन से निकाल रहे हो। आपके पॉडकास्ट, आपकी वीडियोस, आपकी प्रेरणा अलग अलग तरह से लोगों को मोटिवेट कर रही है। थैंक यू, आपकी भी ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन है तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया आपको सुन के। चलिए प्रेम जी। हरी हरी बोल जी। शशि जी तो गुणों की खान है, इनको सुनने के लिए सभी ललायत रहते हैं। शशि जी बोलने वाले हैं, इनकी मधुर वाणी सुनकर बातें तो होती रहती हैं, लेकिन उनको करने का ढंग जो है इनका जो बहुत ही प्यारा है, और हम सब यही चाहते हैं कि ये और तरक्की करें, इनके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण जल्दी से हो जाए, और ये गोलोक एक्सप्रेस के सक्रिय मेंबर है और बने रहें, यही हमारी कामना है। हरि बोल जी। बिल्कुल, हमेशा आप फ्रंट पे रहा करो और आपके माध्यम से और लोगों को प्रेरणा मिले। थैंक यू। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हाँ जी प्रेम जी, हो गए हैं सारे डिवोटीज कंप्लीट? एक नेट वोटी पूछ लेते हैं उनसे। कमलेश जी आप साथ में हैं? हाँ, 5-6 मिनट रखते हैं, 10 मिनट तक कंक्लूड कर लेते हैं हम, अगर कमलेश जी बात करना चाहते हैं। कमलेश जी आपको भी शुभकामनाएं, आप बात करना चाहते हो, थोड़ा सा बताना चाहोगे कब से जुड़े हो, कैसा लग रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सबको सुन के बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। ऐसी आपने नित्य निरंतर चलते रहना है। कमलेश जी आई थिंक बोलने की कोशिश कर रहे हो आप, म्यूट हटाना पड़ेगा आपको, म्यूट पे हो आप। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी, बहुत अच्छा। मुझे मुझे जुड़ के अभी 5-7 दिन ही हुए हैं। अच्छा, आपका स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। कैसे जुड़े आप, किसने जुड़ा आपको? इसके लिए मैं नीलम जी की दिल से अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने मुझे जोड़ा, और मनु जी के माध्यम से, मनोरंजन जी हैं उन्होंने मुझे नीलम जी के माध्यम से जोड़ा गौलोक परिवार से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं जी कहाँ से हैं आप? मैं ना शिमला से हूँ, शिमला से हूँ जी। अच्छा, शिमला से, चलिए वेरी नाइस। मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, पर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। आगे जब मुझे मौका मिलेगा इससे मैं जुड़ी रहूंगी। मैं तो अभी अभी तो फाउंड मतलब अभी तो आधार इसके बेस पर ही हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना मैंने मध्वत भागवत गीता का अध्ययन किया है, ना माला का जाप किया है, पर मैं इसमें जुड़ूंगी। अब मैं सब कुछ करूंगी, पर मैं डिवोटी हो चुकी हूँ इस गौलोक परिवार के प्रति। बहुत अच्छा लगा कमलेश जी, आपको स्वागत है आपका, और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप नित्य निरंतर चलें ईश्वर के रास्ते में और आनंद को प्राप्त करें, और आपके माध्यम से दूसरों को भी प्रेरणा मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू कमलेश जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। एक बार फिर से मनु जी आप साथ में है? मनु जी है साथ? मनु जी, मनु जी आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं है साथ में। चल कोई बात नहीं प्रेम अंकल, है ना। सबको सुन के बड़ा आनंद आया। अंकल आपको बहुत बहुत फिर से एक बार साधुवाद आपकी डेडिकेटेड सेवा के लिए। आई थिंक आपने वो तो अनाउंस कर ही दिया है कि ये डिसकंटिन्यू हो रहा है बैच, बता दिया था आपने सबको? हाँ जी, हाँ जी, बता दिया।
आपके वंडरफुल सेवा के लिए, सबने जुड़े रहना है। ये पर्टिकुलर बैच डिसॉल्व हो रहा है लेकिन हायर पर्पस के लिए हो रहा है। आपने गोलोक एक्सप्रेस के किसी ना किसी सत्संग से जुड़े रहना है। नीलम जी प्रेम जी से आप गाइडेंस ले सकते हो। हरी हरी बोल। आपने किसी को भजन सेवा तो नहीं दी हुई आज प्रेम जी नीलम जी? एंड में सुनीता जी आप बोलेंगे भजन? कोई भी डिवोटी भजन गाना चाहता है? एक डिवोटी सर मैं गाऊंगी भजन प्लीज। कोई बात गाने दे सीमा जी को। हरी बोल जी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले यदम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले यदम। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले ना निकले यदम। आज जो खुश भी हूँ ये उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। आज जो खुश भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दूँ अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूँ अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुँह दिखाने के काबिल मैं तुमको नहीं। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुँह दिखाने के काबिल मैं कुछ भी नहीं। फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले यदम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले यदम। बस इसी आस में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो होगा प्रभु दर्शन तेरा। बस इसी आस में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो होगा प्रभु दर्शन तेरा। हर पल तरसे तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। हरी हरी बोल जी हरी हरी बोल। हरी हरी बोल हरी हरी बोल। एक बार फिर से प्रेम जी आपको, नीलम जी आपको और सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सीमा जी। और सभी के बातें सुन के बड़ा आनंद आया। कृपा आप सब पे बरसती रहे, हम सब पे बरसती रहे। नित्य निरंतर हम ईश्वर के इस दिव्य रास्ते में खुद भी चलते रहें और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहें। तो सभी लोग फिर से एक बार आज के आनंद की जय हो। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरे कृष्णा
Thank you. Hare Krishna. 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 Hare Krishna.